अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू SM काइट चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में चार गिट्टी पतंग बनाऊंगा और इस पतंग को बनाने में झाड़ू के तीले इस्तेमाल करूंगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास झाड़ू के तीले हैं। मैंने झाड़ू में से पहले कुछ भारे भारे तीले निकाल के रखे हुए हैं, क्योंकि चार गिट्टी पतंग बनानी है तो उसके लिए ज़रा मोटे तीले इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इन झाड़ू के तीलों को जोड़ लगाकर मैं पेटे के और पैंदी के तीले बनाऊंगा। दोस्तों अगर आप भी घर में चार गिट्टी पतंग बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। मैं इस वीडियो में एक एक स्टेप मेंशन करूंगा जिससे आप भी घर बैठकर चार गिट्टी पतंग बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और अपने चैनल SM काइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आप देख सकते हैं तीलों की मैं कांटी छांटी कर रहा हूँ। तीलों के जो आगे मोटे सिरे होते हैं उन्हें मैं काट रहा हूँ। तीलों को जोड़ लगाने से पहले मैं उनका झुकाव चेक कर लूँगा। तीलों को मोड़ कर उनका झुकाव मैं चेक कर रहा हूँ। इसके बाद टेप की मदद से तीलों को जोड़ लगा दूंगा। आप चाहें तो डोर या धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टेप का इस्तेमाल करूँगा। ये पहले मैं पेटे के तीले बना रहा हूँ। दोस्तों ये 100% वर्किंग पतंग है, क्योंकि इसकी फ्लाइंग वीडियो मैंने शुरू में अपलोड कर दी है। आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। बहुत सारे दोस्त मुझसे बार बार कमेंट में पूछते हैं कि मैं पेपर कहाँ से लेता हूँ और काइट स्टिक्स के बारे में पूछते रहते हैं। तो मैंने पहले भी दोस्तों को बताया कि मेरी डील चल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह डील मेरी कामयाब हो गई है, मुझे पेपर मिल गए हैं। तो मैं बहुत जल्द काइट पेपर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं फुल डिटेल में बताऊंगा कि पेपर किस क्वालिटी का है और मुझे किस सेलर से मिला है और उस सेलर ने मुझे कितने में पेपर भिजवाया है। और आप भी इंशाल्लाह उस सेलर से घर बैठे बिठाए होम डिलीवरी पेपर मंगवा सकेंगे। गुड्डे के तीलों के लिए और डोर के लिए मेरी एक और सेलर से डील हो रही है, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द कामयाब हो जाएगी। तो जब मेरी तीनों चीज़ें आ जाएंगी, यानी काइट पेपर, काइट मांझा और काइट स्टिक्स, तो मैं इंशाल्लाह बारी बारी उन पर वीडियो अपलोड करूंगा और आप दोस्तों के साथ सेलर का कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करूंगा। हाँ जी दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं झाड़ू के तीलों को जोड़ लगा लिया है। अब तीलों की पैमाइश कर लेते हैं। चार गिट्टी पतंग के अंदर पेटे के तीलों का साइज़ 35 इंच होता है और पैंदी के तीले का साइज़ 31.5 इंच होता है। गज के तीले का साइज़ 29 इंच होता है। तो ये मैंने पेटे के तीलों को जोड़ लगाया था। अब इंच टेप से पैमाइश करके 35 इंच तीले की पैमाइश कर लूँगा और बाकी तीला तोड़ दूँगा। दोस्तों इस बात का ख्याल रखें, जो जोड़ लगाते हैं वो जोड़ बिल्कुल गज के तीले के दरमियान में आना चाहिए ताकि पतंग का झुकाव सही रहे। जिस तरह से पेटे के तीले की पैमाइश की थी बिल्कुल उसी तरीके से पैंदी के तीले की पैमाइश करनी है और 31.5 इंच का तीला काट लेना है। दोस्तों आप लोग जानते हैं झाड़ू के तीले में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो एक बार जब तीला आप जोड़ लगा के काट लेंगे तो उसके बाद अगर तीले का झुकाव ठीक ना हो तो तीले को मोड़ कर आप उसका झुकाव ठीक कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये पैंदी के तीले में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा था तो मैं तीले को मोड़ कर उसके झुकाव को सीधा कर सकता हूँ। आप भी जब तीले को जोड़ लगाएंगे अगर तीले के झुकाव में फ़र्क आए तो तीले को मोड़ कर आप उसके झुकाव को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को साथ साथ लाइक करते जाएं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल SM काइट्स को लाजमी भी सब्सक्राइब करें और साथ बेल के बटन को दबाया करें। ये मेरे लिए आपकी तरफ से मोटिवेशन होती है ताकि मैं आप दोस्तों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ। दोस्तों चार गिट्टी पतंग के तीले तैयार हो गए हैं। अब चार गिट्टी पतंग के पेटे के पेपर का फर्मा काटते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास 25x26 इंच की स्काई ब्लू कलर की शीट है। इसका साइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन चार गिट्टी पतंग के पेटे के पेपर का साइज़ 16x30.5 इंच होता है। तो 16 इंच पर निशान लगा लूँगा, पेपर यहाँ से काट लूँगा और 26 इंच वाले पेपर के साथ 4.5 इंच पेपर का जोड़ लगाकर पेपर को मुकम्मल कर लूँगा। दोस्तों पेपर काटने के लिए मैं कटर का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इससे पेपर बिल्कुल सीधा लाइन में कट जाता है। पेपर को जोड़ लगाने के लिए मैं लेवी का इस्तेमाल करता हूँ। जिन दोस्तों को नहीं पता कि लेवी कैसे बनाई जाती है उनको मैं भी बता देता हूँ। दोस्तों लेवी पाउडर आपको जूतों वाली दुकान से मिल जाएगा। आपने घर में पानी के अंदर चीनी मिक्स करनी है और उसके अंदर हसबे ज़रूरत लेवी पाउडर मिलाकर उसको हिलाते जाना है, अच्छे तरीके से लेवी तैयार हो जाएगी। आजकल क्योंकि नमी का मौसम है तो इसलिए चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जिससे आपके पेपर में सिलवट भी नहीं आएगी और जोड़ भी वो अच्छे तरीके से लग जाएंगे।
अब मैंने आपको बताया था कि 26 इंच वाली साइड पर पेपर का जोड़ लगाना है, तो ग्रीन कलर का मेरे पास वेस्ट पेपर पड़ा हुआ था, इसके साथ मैं लेवी लगा के 26 इंच के साथ जोड़ लगा दूंगा, जिससे हमारा पेपर मुकम्मल हो जाएगा। दोस्तों पेपर को फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद नुके का और पैंदी का टक लगाना है। चार गिट्टी पतंग में नुके का टक 4 इंच पर लगाया जाता है, पैंदी का टक 6 इंच पर लगाया जाता है और पेटे की चौड़ाई 15 इंच रखी जाती है, लेकिन यहाँ मैं 15.3 इंच पर निशान लगा रहा हूँ। जो एक्स्ट्रा 0.3 इंच पेपर है उस पर मैं टक लगा दूंगा, जो कि पेटे के तीलों को जब मैंने कागज़ के अंदर उसकी लिपाई करनी है उसमें मददगार होगा। अब जहाँ जहाँ निशान लगाया था वहाँ पर कैंची की मदद से टक लगा देना है और ईजिली फ्री हाथ से पेपर को गुलाई दे देनी है। उसके बाद जब मैं पेटे के तीले लगा लूँगा, जो एक्स्ट्रा पेपर है वो मैं कैंची की मदद से काट दूँगा। ये मैंने बताया था आपको 0.3 इंच पर मैंने टक लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं पेटे का फरमा कट गया है। अब इसके ऊपर पेटे के तीले लगाने हैं। पेटे के तीले लगाने के लिए मैं सफ़ेद टेप का इस्तेमाल करता हूँ। ये वही टेप है जो दर्जी कपड़े के ऊपर लगाते हैं, जिस पर वो पैमाइश लिखते हैं। ये टेप आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगी। इस टेप से आसानी से आप पेटे के तीले लगा सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, पेटे के तीले लग गए हैं। अब जो एक्स्ट्रा पेपर मैंने कैंची की मदद से काट दिया है, चार गिट्टी पतंग के अंदर नुके की हाइट 7 इंच रखी जाती है, इसलिए मैंने गज़ के तीले पर 7 इंच पर निशान लगा लिया। अब गज़ के तीले को 7 इंच से पेटे के तीले के साथ धागे की मदद से जोड़ देना है। पर पैंदी का टक लगाया था वहाँ पर पैंदी का धागा बांध देना है। इस धागे के साथ बाद में पैंदी का तीला लगाऊंगा, उसकी पैमाइश आपको करके बता दूंगा कि कितने इंच पर पैंदी के तीले को बांधना है। दोस्तों नुके के धागे को बांधने का तरीका भी देख लें, बड़ा आसान तरीका है। धागे को पेटे के तीले के साथ बांधें जहाँ पर नुके का टक लगाया था, और वहाँ से धागे को फोल्ड करके ऊपर गज के तीले से राउंड कर लें और उसके बाद दूसरी तरफ पेटे के तीले के साथ धागा बांध लें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और अपने चैनल SM काइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ बेल के बटन को दबाया करें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हाँ जी दोस्तों, चार गिट्टी पतंग के अंदर पैंदी के धागे की लंबाई 7.7 इंच होती है, इसलिए मैं दोनों तरफ 7.7 इंच पर निशान लगा लूँगा और पैंदी के तीले को 7.7 इंच से बांधूँगा। किसी भी साइज़ के पैंदी के पेपर को अगर काटना हो तो उसका तरीका बड़ा आसान है। आप पैंदी का तीला बांध लें और उसके बाद नीचे पैंदी का पेपर रखें और किसी पेंसिल या मार्कर के ज़रिए निशान लगा लें और उसके बाद कैंची की मदद से पेपर काट लें। ये आप देख सकते हैं मैंने इसी तरीके से पैंदी का पेपर काटा है। अब पैंदी के पेपर पर लेवी लगा कर इसको ऊपर पेटे के साथ जोड़ दूँगा और उसके बाद नीचे वाले तीले के साथ इसकी पेपर की लिपाई कर दूँगा। I think
दोस्तों पतंग के नुके का पेपर काटने का तरीका भी वही है कि नुके का जब धागा बांध लेते हैं तो पेपर के उसके ऊपर रखें और उंगली की मदद से दबा लें। दबाने के बाद जब सिमट बन जाए तो कैंची की मदद से पेपर काट लें। अब पेपर लगाने का तरीका आप देख लें, तीले पर लेवी लगाई जाती है और पेपर के सीधी साइड पर लेवी लगा के उसको ऊपर पेटे के साथ जोड़ दिया जाता है। दोस्तों अब वैसे तो हमारी पतंग तैयार हो गई है, मतलब आप चाहें तो इस तरह से पतंग को उड़ा सकते हैं, लेकिन खूबसूरती बढ़ाने के लिए इस पर तिक्के लगाए जाते हैं और नीचे दुम लगाई जाती है। ये आप किसी भी पेपर के लगा सकते हैं। तो कलर कम्बिनेशन अच्छा करने के लिए मैंने ग्रीन कलर के ये तिक्के बनाए हैं। Across a million seas, just to have you next to me. Paris and Tokyo, I'll go where I have to. बहुत सारे दोस्त मुझसे ये भी पूछते हैं कि पतंग की या काइट की दुम कैसे काटी जाती है। दुम काटने का तरीका बड़ा आसान है। आप पेपर को फोल्ड करें जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ। पेपर को फोल्ड करने के बाद इसको दोबारा ऊपर की जाने फोल्ड कर लें, इसकी तह बना लें। तह बनाने के बाद कैंची की मदद से बारीक बारीक फटियाँ काट लें। जितनी ज़्यादा बारीक फटियाँ होंगी उतनी घनी आपकी दुम तैयार होगी। और इसको जब फटियाँ कट जाएंगी तो इसको टेबल के ऊपर मारना है जिससे दुम खुल जाएगी। खुलने के बाद इसको लेवी लगा के दोबारा जोड़ लें और इसके बाद जो नीचे धागा नज़र आ रहा है आपको वहाँ पर इसको लगा देना है। लगाने का तरीका बड़ा आसान है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ जी दोस्तों, दुम तैयार हो गई है। अब इसको लगाने का तरीका देख लें। इसको धागे के नीचे रखना है, एक बार कागज़ को फोल्ड करके धागे को ऊपर की जानी मोड़ दें और उसके बाद धागे को ऊपर ही रहने दें और कागज़ को गोल गोल घुमा दें जिससे पूछल की मजबूती बढ़ जाएगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपकी इन्फॉर्मेशन में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। पिछले महीने से काफ़ी सारे दोस्त बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि झाड़ू के तीले की पतंग बनाएं। कुछ मौसम गर्म था और कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी जिसकी वजह से वीडियो लेट अपलोड की है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने चैनल SM Kites को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।